हेलो दोस्तों, मैं नाम प्रेक्ष गुप्ता, आज आप देख रहे हैं ब्लॉग्स वेबीडी। सो गाइस, आज की वीडियो में फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं ट्रेड M4 का। गाइस, इस साइकिल का जो टॉपिक था वो एक हमारे सब्सक्राइबर भाई ने दिया था, जिनका कमेंट यहाँ पे आ रहा होगा। तो थैंक यू भाई कि आपने हमें एक टॉपिक दिया और आपने कहा था, तो मैं आपके लिए आज की वीडियो लेके आ चुका। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाली है, इसलिए आज की वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। और जितने भी भाई लोग चैनल पहली बार आए ना, तो प्लीज आ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब उसे कर देना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना ये देखे आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं इस साइकिल की कुछ स्पेशल के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, इस साइकिल के फ्रेम के बारे में बात करूं तो दोस्तों, इसमें हमें 17 इंचेस का एल्युमिनियम बॉडी का फ्रेम देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों 6061 अलॉय से बना हुआ है। जैसे कि दोस्तों, इस साइकिल की जो स्ट्रेंथ है वो हमें काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिल जाएगी, और दोस्तों इस साइकिल का वेट है वो हमें थोड़ा कम देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात आती है। गाइस, साइकिल में व्हील्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों, इसमें हमें 27.5 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, जिनकी दोस्तों जो वेट है वो 2 इंच की देखने को मिल जाती है। दोस्तों जो टायर आते हैं दोस्तों, वो वोंडा के आते हैं, और दोस्तों ये डुअल वॉल अलॉय रिम्स के साथ आते हैं, जिससे दोस्तों साइकिल का लुक है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। गाइस, साइकिल में गियर्स की बात करूं तो दोस्तों, इसमें हमें 21 गियर का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों शिमानो का है, और दोस्तों इसमें हमें क्विक 5 थंब शिफ्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों शिमानो के ही लगे हुए हैं। गाइस, साइकिल में अगर ब्रेक्स की बात की जाए तो दोस्तों, इसमें हमें फ्रंट एंड रेयर दोनों में ही 160mm के मैकेनिकल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। गाइस, में सस्पेंशन की बात करूं तो दोस्तों, में फ्रंट में हमें 18mm का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों 18mm का होने की वजह से दोस्तों काफी अच्छा ट्रैवल करेगा, काफी लॉन्ग ट्रैवल हमें देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों ये लॉकआउट के साथ आता है, जिससे कि दोस्तों आप कहीं पे परेशान नहीं होंगे। जहां पे आपको जरूरत हो वहां पे इसे लॉक इन कर सकते हो, जहां पे आपको इसे जरूरत ना हो वहां पे दोस्तों आप इसे लॉकआउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो होगी साइकिल की कुछ ओवरऑल स्पेशल के बारे में बात। अब दोस्तों, इस साइकिल के लुक्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों, जो इस साइकिल का लुक है वो मुझे काफी ज्यादा ठीक लगा, कोई जो बहुत ज्यादा खतरनाक मुझे नहीं लगा, काफी डिसेंट सा लुक हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ग्राफिक वर्क का जो पेंट जॉब है वो भी काफी ज्यादा नॉर्मल से देखने को मिल जाती है, सिल्वर लुक में हमें आती है, तो ऐसा लगता है दूर से देखें मेटेलिक और दोस्तों अलॉय की बनी हुई है, तो काफी ठीक मुझे इसका लुक लगा। बाकी वही है कि सबका लुक में अपनी अपनी पसंद होती है, आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इसका लुक कैसा लगा। और दोस्तों, मेन बात आती है प्राइसिंग की, क्यों दोस्तों सब कुछ तो मैंने बता दिया, आप कहोगे भाई साइकिल की प्राइसिंग भी तो बताओ, तो दोस्तों अगर साइकिल आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको अप्रोक्स 24,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और दोस्तों इस समय साइकिल आपको कहीं पे नहीं अवेलेबल नहीं मिलेगी, बस ये चूज माई बाइसिकल पे अवेलेबल है इस समय। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो लिंक इसे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, एक बार जाके तो उसे देख लेना। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के शेयर कर देना। आप हमसे कुछ कहना बताना पूछना चाहते हैं, किसी स्पेशल रिक्वेस्ट पे कोई वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें जरूर से लिख देना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकन आएगा उसे जरूर दबाना, ताकि आप ऐसे अच्छे बड़े बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं किसी अच्छी बढ़िया बेहतरीन वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।